नमस्कार विद्यार्थियों, गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन भूना की तरफ से मैं डॉक्टर प्रदीप गौतम आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस नाम से महामारी चल रही है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। सरकार के द्वारा बताए गए नियमों का पालन कर रहे होंगे ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं आपके सामने बीएड फर्स्ट ईयर में असेसमेंट फॉर लर्निंग के नाम से फोर्थ यूनिट में सांख्यिकी विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सांख्यिकी विद्यार्थियों जिसका संबंध सीधा सीधा आंकड़ों से है, डाटा से है, यह विधि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग पहले राजनीतिक क्षेत्र में किया जाता था। स्टैटिस्टिक्स शब्द जो है वो लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है पॉलिटिकल स्टेट, यानी राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पहले इसका प्रयोग किया जाता रहा है। सांख्यिकी का प्रयोग आजकल शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में और विज्ञान में बहुत हो रहा है। विज्ञान में इसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हो रहा है और शिक्षा में, मनोविज्ञान में इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। मनोविज्ञान में किसी भी परीक्षण को, किसी भी विधि को सिद्ध करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हो रहा है। सांख्यिकी में मुख्य रूप से हम समंकों को ही लेते हैं, समंक यानी डाटा। डाटा के माध्यम से हम विद्यार्थियों के परिणामों को एकत्रित करते हैं और उनसे निष्कर्ष निकालते हैं और निकाले हुए निष्कर्षों से हम पूर्वानुमान और किसी भी प्रकार की जो हम भविष्य में निर्णय लेते हैं उन निर्णयों को हम लागू करते हैं। इसकी सबसे अच्छी परिभाषा जो है वो सेलिगमैन ने दी है। परिभाषाएं बहुत हैं परंतु सेलिगमैन की परिभाषा बहुत अच्छे से समझी जाती है। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, तुलना तथा निर्वचन की विधियों से संबंधित हो तथा जिन्हें किसी जांच पड़ताल के क्षेत्र में प्रकाश डालने के लिए प्रयुक्त किया गया हो। अर्थात इस विधि को, इस परिभाषा को अगर हम थोड़ा सा विस्तृत करें तो इसका आशय यही है कि जिस भी क्षेत्र में हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं उस क्षेत्र से हम कुछ डाटाज को एकत्रित करते हैं, चाहे वो शिक्षा का ही क्षेत्र हो, और उस डाटा किए गए एकत्रित डाटा को हम सरल करते हैं, विश्लेषण करते हैं और प्रस्तुतीकरण करते हैं, और फिर उससे जो विश्लेषण होने के बाद उसका प्रस्तुतीकरण या विश्लेषण जो हुआ है, जो उससे हमने सुझा, जो हमने उसके परिणाम निकाले हैं, उन परिणामों को अन्य परिस्थितियों में उसी परिस्थिति में लागू करके उससे हम सहायता लेते हैं और भविष्य में निर्णय लेते हैं।
तो इसमें आगे बहुत ज़्यादा विस्तृत अगर विषय करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं उसी हिसाब से ही आपको करवाने की कोशिश करूंगा जिस प्रकार से आपको यह सही रहे और आप बिल्कुल सही और थोड़े ही शब्दों में इसको समझ जाएं। तो इसकी आगे विशेषताएं हैं कि सांख्यिकी की विशेषताएं क्या है, तो मैं सांख्यिकी की विशेषताएं आपको करवाऊंगा। तो इसमें सबसे पहली विशेषता सांख्यिकी की यही है कि सांख्यिकी एक संख्यात्मक अध्ययन होता है। जिस प्रकार से मैंने शुरू में ही कहा है आपको कि सांख्यिकी जो होती है वो एक संख्याओं का अध्ययन होता है, यानी डाटा का अध्ययन होता है। इसमें हम डाटा को एकत्रित करते हैं और फिर उससे परिणाम निकालते हैं, जिस प्रकार से मीन मीडियन मोड के माध्यम से कुछ भी परिणामों को निकालने का काम करते हैं। जो भी संख्या, जो भी विषय, जिस भी विषय का हम रिसर्च कर रहे हैं या जिस विषय के लिए हम डाटाज को ले जिस भी विषय के लिए हम सांख्यिकी का कुछ भी वर्णन या कुछ भी बात सांख्यिकी के माध्यम से निकालना चाहते हैं, तो वो याद रखें कि अगर वो डाटा में परिवर्तित नहीं होती है तो हम उसको फिर उसको सांख्यिकी में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो कहने का आशय ये है कि सांख्यिकी में जो सूचना या जो बातें हम लेते हैं उनको डाटा के रूप में बदलने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर दो है आंकड़ों की शुद्धता। सांख्यिकी की सबसे बड़ी बात यही है कि उसमें जो डेटाज लिए गए हैं वो शुद्ध होने चाहिए, 100% शुद्ध होने चाहिए। अगर वो डाटा आपका शुद्ध नहीं है तो समझ लीजिए कि आप उसमें सांख्यिकी का प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं। नंबर तीन है आंकड़ा को व्यवस्थित रूप में एकत्रित करना। सांख्यिकी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हम जो इसमें डाटाज लेते हैं वो व्यवस्थित रूप से एकत्रित होने चाहिए, यानी कि हम डाटा को बिल्कुल एक सरल तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, और जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी विद्यार्थी का कोई इंटरव्यू लेते हैं, मान लीजिए कि हम 9th कक्षा के विद्यार्थी हैं और उनका हम हिंदी का पेपर लेते हैं। पेपर लेने के बाद उनका मार्किंग होता है, मार्किंग के बाद हर विद्यार्थी के अंक हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने किस विषय का पेपर लेना है ये निर्धारित होना चाहिए, फिर उसका मापन होता है, मापन के बाद में उनके अंक हमारे सामने आते हैं। तो एक विस्तृत और व्यवस्थित रूप है। और चौथा है हमारे सामने इसकी विशेषता, जो डाटा हम एकत्रित करते हैं वो किसी न किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के ऊपर ही होते हैं। अगर कोई भी डाटा हम एकत्रित करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो पूर्व निर्धारित अगर उद्देश्य के ऊपर नहीं है तो यह समझ लेना कि हम सांख्यिकी कर ही नहीं रहे हैं, सांख्यिकी का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें कि सांख्यिकी में आंकड़ों का संकलन मापन द्वारा किया जाता है, कि हम जो भी डाटा एकत्रित करेंगे वो मापन के माध्यम से ही करते हैं। उसमें हम अनेकों डाटा कलेक्शन के लिए विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन है, प्रश्नावली विधि है और अन्य प्रकार की विधियां, रेटिंग स्केल है और इसी प्रकार से आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड कार्ड है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड है। तो इनके माध्यम से हम डाटा की कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है इसमें हम इसकी विशेषता, इसकी अगली यही है कि हम सामूहिक अध्ययन करते हैं। इसमें किसी एक विद्यार्थी की अगर एक ही सूचना है और एक ही डाटा है तो हम उसका सांख्यिकी अध्ययन नहीं करते हैं, या इसकी एक विशेषता है कि हमें कई विद्यार्थियों का या एक ही विद्यार्थी की कई प्रकार की सूचनाओं का ही अध्ययन कर सकते हैं। अगर एक विद्यार्थी की कोई सूचना का अगर हम अध्ययन इसमें करते हैं तो वो सांख्यिकी नहीं होता है। तो सांख्यिकी की विशेषता यही है कि यह सामूहिक अध्ययनों में होता है। ठीक है जी, तो इसी प्रकार से यह थी सांख्यिकी की विशेषताएं। और इसी प्रकार से अगला है हमारा सांख्यिकी के महत्व क्या है। तो इसी प्रकार से सांख्यिकी महत्वों की जब बात आती है तो उसमें बहुत सारे महत्व हैं। सबसे पहला महत्व जिसका यह है वो है सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण, डाटा का सरलीकरण। आंकड़ों को सांख्यिकी के माध्यम से हम सरल रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। देखो जब हम विद्यार्थियों के अंक इकट्ठे करते हैं, मान लीजिए कि हम विद्यार्थियों के अंकों से कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, कि मान लीजिए हमें पता चले कि हमने जिन विद्यार्थियों को पढ़ाया है, मैथमेटिक्स के विषयों किसी विषय को हमने पढ़ाया है और हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास किस प्रकार के विद्यार्थियों के परिणाम रहे और किस प्रकार का रहा,
तो अंक तो हमारे सामने विद्यार्थियों के आ जाएंगे, राम के, श्याम के, सीता के, गीता के, सुनीता के, तो परंतु वो डाटा उलझा हुआ है। अगर हम उसको सांख्यिकी माध्यम से लें, यानी रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, ऐसे ही सो ऑन, तो हमें एक सरल रूप प्रस्तुत होता है। जो यह रूप है, जो डाटा का यह रूप है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम सरलीकरण कहते हैं कि डाटा को हमने सरल करके प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से मान लीजिए, जैसे न्यूज़ पढ़ने वाले लोगों का हम डाटा एकत्रित करते हैं किसी क्षेत्र विशेष में, मान लीजिए कि फतेहाबाद के भूनाबलोक में न्यूज़ पढ़ने वाले लोगों का डाटा एकत्रित करना कि कौन कौन लोग पढ़ते हैं, तो हमें एक श्रेणी बनानी पड़ेगी कि उसमें युवा कौन कौन से हैं, वृद्ध कौन कौन से हैं, लड़कियां कौन कौन सी हैं, औरतें कौन कौन सी पढ़ती हैं, तो उसका फिर हमें एक अनुमान प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार थोड़ी सी बीच में हलचल हुई थी, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो नंबर 2 है तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन देखिए, हमें जब हम डाटा सांख्यिकी के माध्यम, सबसे बड़ी महत्व इसका यही है सांख्यिकी का, कि हम इसके माध्यम से तुलना कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए मैंने 9th विषय ही मैथमेटिक्स का विषय ले लिया, मान लीजिए कि एक स्कूल में 2 कक्षाएं हैं मैथमेटिक्स की। अब हम यह अध्ययन करना चाहते हैं कि ए सेक्शन के विद्यार्थी और बी सेक्शन के विद्यार्थियों में कितना अंतर है, तो सांख्यिकी के माध्यम से हम मैथमेटिक्स के ए सेक्शन के और बी सेक्शन के विद्यार्थियों की तुलना कर सकते हैं कि उनके नंबर कैसे आए, किस प्रकार के आ रहे हैं, और इन विद्यार्थियों के नंबर किस प्रकार के आ रहे हैं। उनके कितने ऐसे विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए कोई 90 अंकों से ऊपर के हैं, कितने ऐसे हैं जो 60 के अंकों के ऊपर के हैं, कितने विद्यार्थी ऐसे जो 50 के ऊपर के, कितने फेल हैं, और टोटल में से कितने पास हैं। तो यह तुलनात्मक अध्ययन जो करते हैं हम, इसका महत्व है कि तुलना करने में इसकी फायदा हमें मिलता है। नेक्स्ट है परीक्षा परिणामों की व्याख्या। हम परीक्षा परिणामों की व्याख्या उपरोक्त पॉइंट में मैंने बोल दिया वैसे तो, परंतु इसमें भी फिर से रिपीट हो रहा है कि परीक्षा परिणामों की व्याख्या करने में हमें सहायता मिल जाती है। जैसे मैंने कह ही दिया आपको, वही सेम बात है इसमें भी। नेक्स्ट है विभिन्न परीक्षणों का निर्माण। हम सांख्यिकी में, सांख्यिकी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का निर्माण करते हैं। बहुत सारे परीक्षण साइकोलॉजिकली होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसी प्रकार से बुद्धि सॉरी एप्टीट्यूड टेस्ट है, एटीट्यूड टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, और कोई इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज हैं, एडजस्टमेंट, एस के मंगल की एडजस्टमेंट इन्वेंट्री है, कुडर का रुचि परीक्षण है। तो यह सारे टेस्ट जब बनते हैं, टेस्ट बनाने से बनाते वक्त हमें उनकी कई प्रकार की जानकारियाँ, उसमें कई प्रकार के साइंटिस्टिकल प्रोसेस होते हैं, उनमें इसका प्रयोग सांख्यिकी बहुत भरपूर मात्रा में होता है। तो उसके कुछ रूप आगे मैं दे रहा हूँ आपको महत्व के रूप में। सबसे पहला उसमें यही है, इसी में अगला पॉइंट भी कह सकते हैं महत्व के रूप में, सत्यता का ज्ञान। जब हम किसी भी टेस्ट का जो लगाया जा चुका है या टेस्ट निर्माण में है, तो हम उसकी सत्यता की जांच करना चाहते हैं कि क्या वो टेस्ट हमारा सही है। अगर वो टेस्ट सही है तो इसकी सत्यता की जांच कि वो किस प्रकार से, तो सत्यता की जांच वैलिडिटी के माध्यम से हो सकती है कि वो वैलिड है या नहीं। तो वैलिड जांचने का तरीका यही होता है कि जिस उद्देश्य के लिए टेस्ट बनाया गया है, वो टेस्ट उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग हो रहा है। मान लीजिए कि आप यह जांचना चाहते हैं कि 8वीं कक्षा में सामाजिक अध्ययन विषय में, उसमें भी भूगोल एक अलग से टेक्स्ट बुक रहता है भूगोल का, तो उसमें विद्यार्थियों ने किस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त की है। तो जब पेपर उसका बनेगा टेस्ट का, तो उसमें वो भूगोल से संबंधित ही प्रश्न होने चाहिए, तो यह पता चलता है कि वो वैध है। भूगोल में भी वही प्रश्न होने चाहिए जो 8th कक्षा में उसकी टेक्स्ट बुक में है। उससे अलग अगर बाहर का विषय होगा तो हम ये कहेंगे कि यह विषय वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का ज्ञान करना बहुत जरूरी है, विश्वसनीयता की जांच होनी बहुत जरूरी है। अगर किसी भी विषय की विश्वसनीयता की जांच नहीं होती है, तो हम समझेंगे कि हमारा टेस्ट सही नहीं है। हम परीक्षण करते हैं, देखो एजुकेशन में बहुत ब्रॉडर एरिया है, और हम जो भी चीज़ विद्यार्थियों के लिए लागू करते हैं, उस टेस्ट की, उस परीक्षण की, चाहे वो कोई विधि है, खासकर टेस्ट के ऊपर ही लागू होता है,
तो वो विश्वसनीय है, नहीं रिलायबल है कि नहीं। एक परिस्थिति के बाद अगर हम किसी एक विद्यार्थी के ऊपर इसको लागू करते हैं और कुछ समय बाद, मान लीजिए कि उसका एक दिन का समय भी हो सकता है और कुछ 5-6 घंटे बाद भी हो सकता है कि हमने एक टेस्ट ले लिया और अब 5-6 घंटे बाद फिर उसी टेस्ट को लें, तो और अगर फिर उन विद्यार्थियों के परिणामों में कोई अंतर नहीं आता है, और अगर अंतर आता भी है तो 20-30% अंतर है सिर्फ, मतलब 70% से ऊपर वो परिणाम सही आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, पहले जैसे ही हैं और उनमें ज़्यादा 30% ऊपर का अंतर नहीं है, तो हम कहेंगे कि हमारा सत्य है। परंतु एक बात ध्यान रखेंगे कि पहली बार में जो टेस्ट लिया और दूसरी बार में जो टेस्ट लिया, उनमें बीच में विद्यार्थियों को अध्ययन करने का अवसर नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि अगर वो सत्य है, मतलब कि बराबर आ रहा है 70% से ऊपर, या पूरा पूरा ही बिल्कुल रिजल्ट एग्जैक्ट आ रहा है आपका पहली बार में और दूसरी बार में जो टेस्ट आपने लिया विद्यार्थियों का, तो हम कहेंगे कि हमारा जो परीक्षण है वो वैध है। तो सांख्यिकी का कार्य है कि वैधता की जांच करना, विश्वसनीयता की, जो विषय बोल रहा था, विश्वसनीयता की जांच करना। फिर उसके बाद में सहसंबंध सबसे बड़ी चीज है कि आज हम कुछ भी चीजें लागू करते हैं, कोई भी परीक्षण लागू करते हैं, या मान लीजिए मैं सीधी सी बात करता हूं कि हमें चाहिए होता है कई बार कि क्या मैथमेटिक्स पढ़ने वाले विद्यार्थी और साइंस पढ़ने वो विद्यार्थी जो मैथ पढ़ते हैं उनकी साइंस में भी बराबर सेम रुचि रहती है, मतलब कि जिनकी मैथ में पढ़ने में रुचि अच्छी है तो साइंस में भी रुचि अच्छी है। तो इस चीज के संबंध की जांच करने के लिए सांख्यिकी में एक विधि है कोरलेशन, कोरलेशन जिसे हम कहते हैं सहसंबंध। तो इस सहसंबंध की जांच सांख्यिकी की इस विधि के माध्यम से, कार्ल पियर्सन का एक मेथड है, कार्ल पियर्सन मेथड बोलते हैं उसको, जो सहसंबंधों की जांच करने के लिए प्रयुक्त तो होता है, तो इसका प्रयोग भी हम सांख्यिकी में कर सकते हैं। उसके बाद में प्रतिदर्श का चयन, सैंपलिंग। सैंपलिंग एक बहुत बड़ी चीज है, हम डाटा एकत्र करते हैं, डाटा अगर एकत्र करने चलें तो मान लीजिए कि हम हरियाणा को ही ले लें, मैथमेटिक्स को ले लें, कक्षा 8 को ले लें और 10th को ले लें, चलो बोर्ड की परीक्षा है तो मैथ मैथ को लें, तो सोचें कि पूरे हरियाणा में 10th कक्षा के मैथ विषय के कितने विद्यार्थी हैं, बहुत ज़्यादा है। तो अब हम इतनी बड़ी डाटा को कलेक्शन करना, उससे परिणाम निकालना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम सांख्यिकी के माध्यम से सैंपलिंग कर सकते हैं कि हम एक सैंपल उठा लेते हैं, जिस प्रकार से कोई भी मार्केट में जब आप जाते हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो सैंपल देते हैं आपको, मतलब कि हमारे सारे प्रोडक्ट ऐसे ही होंगे, कंपनी की तरफ से सोचा जाता है कि हमारे सारे प्रोडक्ट ऐसे ही आएंगे और ये सैंपल हम आपको दे रहे हैं, इसका प्रयोग करके देखिए कि क्या ये सही है। तो वो जनता उसके ऊपर विश्वास करती है, देखती है यूज करके, और अगर सही रहता है तो यस करते हैं, नहीं तो रिजेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं यह विधि जो है यह सैंपलिंग करने के लिए काम आती है, मतलब कि हम जरूरी नहीं कि पूरे हरियाणा में 10th कक्षा के मैथमेटिक्स के हर डिस्ट्रिक्ट के विद्यार्थियों को लो, उसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ गांव और शहर में बांट सकते हैं, कुछ लड़के और लड़कियों में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से सैंपलिंग में हम सिर्फ 50 या 100 लोग, 200 लोगों को ले सकते हैं। तो इस प्रकार से सांख्यिकी का प्रयोग होता है, सांख्यिकी का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से यह विद्यार्थी, यह था हमारा सांख्यिकी के महत्व। अब है सांख्यिकी के कार्य, सांख्यिकी के कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थियों की सांख्यिकी किस प्रकार से फंक्शन करती है और इससे हम क्या का काम ले सकते हैं, सबसे बड़ी चीज है यह जानना बहुत जरूरी है विद्यार्थियों के लिए कि हम सांख्यिकी के क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका काम है सांख्यिकी का तथ्यों का संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना। मैं शुरू में ही आपको वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूँ कि सांख्यिकी है क्या। सांख्यिकी सीधा सीधा संबंध आंकड़ों से है, जैसे कि 1, 2, 4, 5, 6, 10, 20, डाटा। गुणों का प्रयोग नहीं होता है इसमें, गुणों को अगर हम डाटा में प्रस्तुत कर सकते हैं तो गुणों का प्रयोग हो सकता है, अन्यथा गुणों का प्रयोग इसमें नहीं होता है। नंबर 2 पे आता है इसमें तुलनात्मक अध्ययन। सांख्यिकी का सबसे बड़ा कार्य है तुलना करना। तुलना किस प्रकार की, यह मैं आपको महत्वों के रूप में भी बता चुका हूं और उसकी विशेषताओं के रूप में भी, कि सांख्यिकी का सबसे बड़ा कार्य है
आज के समय में हम शिक्षा के क्षेत्र में भी लगा लें कि जैसे बात करते हैं कि 10th कक्षा या 11th कक्षा के विद्यार्थी हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल के विद्यार्थियों की तुलना एक ही कक्षा के विद्यार्थियों करनी है, सिर्फ लड़कियों लड़कियों की करनी है, लड़कियों या लड़कों की करनी है, तो हम इस प्रकार की तुलना सांख्यिकी के माध्यम से कर सकते हैं। और इसका सबसे बढ़िया फायदा यही है कि अगर एक शिक्षक यह जांचना चाहता है कि वो कक्षा में कैसा पढ़ा रहा है, उसकी आउटपुट कैसी है, उसका अचीवमेंट कैसा है, तो यह बहुत ही अच्छा है कि सांख्यिकी के माध्यम से हम तुलना कर सकते हैं। और इसके बाद में सह संबंधों की जांच करना, यह भी मैं आपको कार्ल पियर्सन का मेथड के बारे में आपको बताया था मैंने, तो इससे तुलना करना बड़ा आसान है और संबंध बताना बड़ा आसान है। संबंध यानी मान लीजिए मैंने पीछे भी आपको बताया था मैथ और साइंस का, कि क्या जो विद्यार्थी मैथ पढ़ते हैं वो विज्ञान में भी उतनी रुचि लेते हैं। और इसी तरीके को उल्टे तरीके से देखना हो कि क्या मान लीजिए जो मैथ और साइंस अच्छा पढ़ते हैं तो क्या वो हिंदी और इंग्लिश को भी अच्छा पढ़ते हैं। इस प्रकार की तुलना सांख्यिकी के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम इससे मान लीजिए कि आपको यह लगता हो कि साइंस और विज्ञान, जो विज्ञान पढ़ते हैं वो मैथ भी अच्छा पढ़ते हैं परंतु हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, तो हम एजुकेशन के सेक्टर में इसका प्रयोग पॉजिटिवली यह ले सकते हैं कि हम उनको हिंदी और इंग्लिश पे अधिक दबाव दें ताकि उनकी जो आउटपुट फाइनल में आती है, 10th में आती है, तो उसको उनकी प्रतिशतता के ऊपर प्रभाव ना पड़े, उनके अंक जो हैं वो सही रहें। उसके बाद में है, इसका सबसे अच्छा काम सांख्यिकी का कार्य है जो है पूर्वानुमान लगाना, बहुत ही बड़ी अच्छी चीज है। सांख्यिकी का काम ही है इन फ्यूचर पूर्वानुमान करना, पूर्वानुमान बहुत जरूरी है सांख्यिकी में, पूर्वानुमान की का ही महत्व है। अगर आप सांख्यिकी के माध्यम से सांख्यिकी को करके पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं तो समझ लीजिए कि आप कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, सांख्यिकी का प्रयोग आपको करना ही नहीं आ रहा है। कि देखिए सांख्यिकी में हम जब कोई भी रिसर्च आ जाती है सांख्यिकी के माध्यम से, या टीचर भी अपने हिसाब से सांख्यिकी का प्रयोग करके कुछ निष्कर्ष निकालता है, परिणाम निकाल लेता है, तो हम इन फ्यूचर ऐसी चीज का पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि हम कल को ऐसी परिस्थिति में जहां कहीं भी कुछ, जैसा जैसा हमने कहीं से कुछ लिया है या देखा है रिसर्च के माध्यम से, अगर उसके परिणामों के आधार पर दूसरी जगह उन परिणामों का, अगर परिणाम पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव के हिसाब से लगाकर, अगर नेगेटिव थे तो उनको सुधारात्मक रूप में वहां पर लगाकर अपने परिणामों को दुरुस्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायता करता है और पूर्वानुमान जो है उसकी भी सहायता करता है। उसके बाद में है विद्यार्थियों अनुभव में वृद्धि करना। देखो व्यक्तिगत रूप में हम अपने अनुभवों में इसके माध्यम से वृद्धि कर सकते हैं, व्यक्तिगत अनुभव के रूप में। टीचर कोई एक स्कूल का टीचर नहीं है, वो घर में भी अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकता है, अपनी अपने लेवल को बढ़ा सकता है। तो सांख्यिकी उसमें एक ऐसा काम है जो कहीं ना कहीं अपने अनुभव को बढ़ाने का काम करता है। हम जितना ज़्यादा इसकी ओर बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा इसकी ओर सोचेंगे, विद्यार्थियों के परिणामों को सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें इससे सहायता मिलेगी और विद्यार्थियों को ज़्यादा इसका अनुभव कार्य यही है कि सांख्यिकी जितनी करते जाएंगे,